म्यूजिक प्लेयर वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइज, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। आज हम यहाँ पे दो वॉचेस लेके आए हैं और दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट की है, दोनों ही फायरबोल्ट की वॉचेस है, मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे। तो एक है फायरबोल्ट की, इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया आज ही, मतलब अनबॉक्सिंग रिव्यू किया है सोलेस, ठीक है, और एक तरफ है फायरबोल्ट की। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्वांटम जैसी लुक में आती है, तो वो भी हम चेक कर ही लेंगे। वैसे क्वांटम में ये एक आपको सीन मिल जाता है इरोटेटेबल टाइप का, ठीक है, बट इसमें कुछ फ्लॉज है वो आपको बताऊंगा, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की डिसेंट है, काफ़ी अच्छी मिलती है, डिसेंट क्या कहूँगा मैं, काफ़ी अच्छी देता है फायरबोल्ट स्ट्रैप की क्वालिटी। और यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे ही फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफ़ी टॉप नॉच प्रीमियम वॉचेज लगती है देखने में दोनों ही वॉचेज। ये अच्छी बात है कि मतलब प्रीमियम फील आपको बजट ब्रैकेट में फायरबोल्ट प्रोवाइड कर रही है। इसकी बात मैं करूँ यहाँ पे, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में या 2999 तक के प्राइस ब्रैकेट मिलती है क्वांटम बेसिकली। इसमें इंटरनल मेमोरी मिल जाती है आपको 128 MB, जहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सॉन्ग्स को या 20 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर पाओगे इसमें। ये क्राउन की आपका वर्किंग नहीं है वैसे, ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो फायरबोल्ट की ये जो है सोलिस, ये आपको सेल पे गई है 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, गाइस बहुत ही तगड़ी डील पे गई है वैसे भी, और मेटल के बिल्ड के साथ, स्टेनलेस स्टील के बिल्ड के साथ, पहली ऐसी वॉच है फायरबोल्ट की जो आपको 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। और लुक और फील दोनों का ही आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल का मिलता है वैसे तो। और आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है आप सभी को, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिस्प्ले छोटी है, 1.28 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 1.32 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे पिक्सल साइज भी काफ़ी अच्छा है, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, यहाँ पे 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। जब अपनी पिक एज वॉचेस लगाते हो ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्सलेट होती है इस वाली वॉच में, तो गैस ये उतना ज़्यादा कह सकते हो प्रोडक्टिव नहीं है वॉच ये एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर आपको फीचर्स एंड फंक्शंस बेटर चाहिए तो स्ट्रेट अवे ये वॉच काफ़ी बेटर हो जाती है, और रोटेटेबल क्राउन के साथ भी आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रैप रिमूवेबल नहीं है, इसमें भी स्ट्रैप रिमूवेबल नहीं है वैसे भी, और साथ में यहाँ पे मोटाई भी यहाँ पे देख सकते हो इसकी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, और दोनों ही लास्ट मीडियम टू थिन तीनों पर चल जाती हैं, वैसे ये मोटी ज़्यादा है इधर की साइड से, बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है इसमें इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन तो मिल जाता है। बट अगर ये सैमसंग क्लासिक की तरह वॉच की तरह ये रोटेटेबल के साथ साथ ये जो वॉच फेसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, तो मज़ा आता है, ये बस शो पीस के लिए दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। जो रोलेक्स वॉच है ना, उसकी ये कॉपी लगती है बेसिकली पूरी की पूरी, ठीक है, और ये तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक में आती है बेसिकली। तो गाइस चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ों की बात करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलूंगा। यहाँ पे आपको टॉगल मेनू मिल जाता है, वैसे अगर आप इस तरीके के कंपैरिजन को एंजॉय करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, वैसे दोनों ही वॉचेस की बेस्ट वाली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉलिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, डी एन डी मोड मिल जाता है दोनों में ही, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्यू आर कोड को भी स्टोर कर सकते हो। क्यू आर कोड को कैसे स्टोर कर सकते हो, उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जाके चेक कर सकते हो, इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा है सोलह इसका, तो आप जाके चेक करोगे, रिसेंट ही वीडियो आज ही मैंने अनबॉक्सिंग किया है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से कैसे आप यहाँ पे क्यू आर कोड को स्टोर कर सकते हो। उसी के साथ साथ सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस है, स्लीप है, वॉच फेस है, मेन्यू व्यू है, रिस्ट वेक मिल जाता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नो गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में से किसी में नहीं मिलता, यहाँ पे तो बहुत मिनिमली फीचर मिलते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे इस तरीके से डायल है, नोटिफिकेशन है, इरेज डाटा है, पावर ऑफ है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका रिंग प्लस वाइब्रेट करती है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे मैनुअली नहीं कर सकते जो आपकी वाली वॉच है, जो आपकी फायरबोल्ट की क्वांटम वॉच है बेसिकली, ठीक है। और ऑटो लॉक का यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो वैसे, ये ठीक है, ठीक है। और इसमें तो आपका प्रॉपर मिल जाता है रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन, मैं आगे दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा रिंग वाइब्रेशन म्यूट का, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिंगल चिप कनेक्टिविटी मिलती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सोलिस का, बट इसमें आपको डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलती है, ये इसका कह सकते हो फ्लॉ है बेसिकली, ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट है सिंगल चिप कनेक्टिविटी। उसके बाद सिस्टम है अबाउट है, दैट्स इट। यहाँ पे थ्री टू मटन मिलती है, बट ये पुशेबल नहीं है, रोटेटेबल है बस, यहाँ पे ये बैक जाने के लिए और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पर जाने के लिए मिल जाती है बटन, ठीक है। उसी के साथ साथ राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट मिल जाते हैं, यहाँ पे 30 Hz का स्मूथ यूआई तो नहीं मिलता, लैगी यूआई मिलता है कह सकते हो आप। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको वापस से वो मिल जाता है स्पोर्ट्स, मतलब वो शॉर्टकट। नीचे की साइड से यहाँ पे जो, अगर आपको एक पर्सनल MP3 प्लेयर चाहिए जिसमें ज़्यादा मेमोरी नहीं, तो आप इस वॉच के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। और गैस ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू तो मैंने दिखाई दिया आपको, अब सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है और यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाता है, तो सबसे पहले एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म की वो शो करता है, और यहाँ पे वर्कआउट मिल जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे भी हम वर्कआउट को चेक कर लेते हैं। वैसे वर्कआउट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को, कि मतलब इन सब वॉचेस में एक्यूरेसी वर्कआउट की उतनी ज़्यादा बेटर नहीं रहती है, पर तब भी हम यहाँ पे फॉर द सेक यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कितनी क्या मिलती है एक्यूरेसी। तो 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे वो तो दिखाई नहीं रहा है कितने स्टेप्स चले हैं बेसिकली, इसमें आपका 55 दिखा रहा है। तो गाइस सोलेस की एक्यूरेसी आपको बेटर मिलेगी वैसे भी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे इस वाली वॉच से, तो खासकर इसमें आपको सिंगल चिप, मतलब इसमें सिंगल सेंसर ही मिलता है वैसे आपको। आगे बात करें यहाँ पे
स्पीडोमीटर है, स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। हार्ट रेट की एक्यूरेसी वैसे ही डाउन ही रहती है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आरएसपी टू बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को कि आप वॉच से चेक करें। कॉलिंग वाला फीचर चेक कर लेते हैं, ये मेन था तो ये हम डायल कर लेते हैं, दोनों में ही लाउडनेस चेक कर लेते हैं। इसमें भी डायल कर लेता हूँ नंबर को यहाँ पे। लाउडनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा लाउड है तो 16 स्टेट पे जीत जाती है हमारी। ठीक है, बैक कैसे जाएगा। तो गैस ये डेफिनेटली उतनी लाउड नहीं मिलती। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और नहीं मिलती, वो है आपका वॉइस असिस्टेंट। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कैमरा, फैन में फोन है, म्यूजिक प्ले कर सकते हो वॉच में, बट स्टोर नहीं, मतलब स्टोर कर सकते हो बेसिकली, प्ले भी कर सकते हो, बट अगेन गाइस डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। अलार्म भी ओनली वाइब्रेट ही करती है वॉच। इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें डेडिकेटेड दो चीज़ मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है, वो है गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, और अलार्म भी वॉच में लगा सकते हो इससे, बट वो बात अलग है, यहाँ पे ओनली वाइब्रेट करता है सेम इसी की तरह। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन प्रॉपर मिल जाता है। ठीक है, अब गाइस एक काम करते हैं, हाथ पे पहन लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताया था कि दोनों में से बेटर कौन सी है। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने दोनों ही वॉचेस को पहन लिया। दोनों ही वॉचेस आपकी कह सकते हो फॉर्मल लुकिंग के लिए ठीक है, मतलब फॉर्मल नहीं, मतलब जैसे कि कहीं आप जा रहे हो पार्टी वार्टी के लिए उसके लिए ठीक है, बट नॉर्मल वियर के लिए नहीं है ये दोनों वॉचेस कोई से भी। ठीक है, ऐसे आप अगर आप घर पे ऐसी पहन रहे हो तो गाइस उतनी अच्छी नहीं लगेगी। घर पे तो एक कैजुअल वॉच ही थी, ये कैजुअल वॉच नहीं है बेसिकली, ये स्पेशल ओकेजन के लिए वॉच है। वैसे प्रीमियम बहुत अच्छी है, लगती है, प्रीमियम है डेफिनेटली। यहाँ पे किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो या कहीं गेट टुगेदर में जा रहे हो, अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो कहीं घूमने उमने, तो डेफिनेटली इसको आप पहन सकते हैं दोनों को ही। ठीक है, तो काफ़ी प्रीमियम लगती है, हैंड फील काफ़ी अच्छा आता है। तो गाइस दोनों में से बेटर कौन सी है? शोलेस स्ट्रेट अवे बेटर है आपकी, और एक्यूरेसी लेवल उतना ज़्यादा नहीं रहता, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीमीटर के साथ स्कैन नहीं करूंगा, मेजर नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, और कंपनी भी क्लेम नहीं करती है कि आपको कि आप वॉच से आप चेक करें। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे विनर है शोलेस। ठीक है, फीचर भी ज़्यादा है, डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, पिक्सल साइज भी बेटर मिल जाता है, और ओवरऑल वही फील मिल जाता है जो आपको क्वांटम का मिलता है। बस यही है कि इसमें इंटरनल मेमोरी नहीं मिलती है। तो गाइस इसे डीप डाउन कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।